तो भाई ये चीज ना यूट्यूब ने बिल्कुल नहीं कर दी और काफी शानदार कर दी है। इस चीज के इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर आप लोग शॉर्ट्स डालते हो, वीडियो डालते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को। कुछ भी डालते हो आप लोगों का चैनल धमाके से बूस्ट होगा। ये अपडेट था ही तो जरूरी है और अभी अपडेट आ चुका है, तो इस वीडियो को पूरे देख लेना। वीडियो में टोटल अपडेट के बारे में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो गाइस बिना देर करते मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और अभी जो नया अपडेट आया है YouTube की तरफ से, इसको आप एक तरीके से अपडेट नहीं कह सकते, अपडेट कह सकते हैं एल्गोरिदम के अंदर। आप लोगों को डायरेक्ट कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, YouTube का जो एल्गोरिदम होता है उसी में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब क्या होता था, अगर आप लोग केवल शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको केवल शॉर्ट्स ही वायरल जाते थे, आप लोग अगर वीडियोज बनाते तो वीडियोज वायरल नहीं जाते थे। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता था कि उनके वीडियोज पे तो मिलियंस में व्यूज आ जाते थे लेकिन शॉर्ट्स पे कहीं में भी व्यूज नहीं आते थे। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि आप YouTube अपने एल्गोरिदम में चेंजेस लाने जा रहा है जिसके थ्रू उन्हें एज अ ब्रिज लिंक कर देगा कि अगर आपके शॉर्ट्स की कोई ऑडियंस आपकी देखती है तो वो आपके लॉन्ग वीडियोस को भी उस व्यक्ति को रिकमेंड करेगा। अगर कोई आपका लॉन्ग वीडियोस देखता था लेकिन अगर आप उसकी टॉपिक पे शॉर्ट भी बनाते तो उसी ऑडियंस के पास आपका शॉर्ट भी जाया करेगा। मतलब अब तक क्या था, केवल एक चीज वायरल हो रही है और दूसरे कोने में पड़ी हुई, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, दोनों की ऑडियंस को आप लोग लिंक कर पाएंगे। YouTube अब से अपने एल्गोरिदम में चेंज लाने वाला है, बहुत धांसू अपडेट होने वाला है अगर ये आ जाता है तो। डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर से अपडेट वगैरह नहीं करना, YouTube के एल्गोरिदम में ऑटोमेटिक अपडेट आएगा। और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था इस टाइप का एक अपडेट आने वाला है जिससे अगर आपके शॉर्ट्स वायरल जाते हैं तो अब आपके वीडियोस भी वायरल जाया करेंगे और अगर आपके वीडियोस वायरल जाते हैं तो आपके शॉर्ट्स भी वायरल जाया करेंगे। अब इसमें मैं आपको एकदम मेन ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो इससे आपको नुकसान होगा। इस अपडेट से अगर आपको नुकसान नहीं करना है तो अब ध्यान से सुन लेना। एग्जाम्पल, अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाते हो मैथ्स की वीडियोस पे और अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो इमोशनल, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, आप लोगों को दोनों एक ही टॉपिक पे चीज़ काम करनी पड़ेगी। अब अगर यूजर यूट्यूब है, अगर एक ही यूजर के पास आप लोगों का डेटा भेज रहा है तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों कंटेंट सेम हो। उम्मीद करना ये अपडेट आप लोगों को पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना इस टाइप के अपडेट्स के लिए। उम्मीद करना वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।